हाय, माय सेल्फ संजीव कुमार मिश्रा एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम इन अकाउंटेंसी फीवर चैनल। फ्रेंड्स, हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लास्ट चैप्टर हम देखने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। और इस चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। और इस कंट्रोलिंग चैप्टर को जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम एक बात आपसे और करना चाहेंगे। मैनेजमेंट के जो फाइव एलिमेंट्स बताए गए, उसमें पहला एलिमेंट था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और लास्ट है इसका कंट्रोलिंग। तो हमने पिछले वीडियोज में अपने चार ये चैप्टर्स देखा था, चार एलिमेंट्स को हम जान चुके हैं अपने बिजनेस स्टडी में। जो एलिमेंट्स पांच हैं उसमें के चार हम जान चुके हैं। अभी ये बचा है मेरा लास्ट टॉपिक, कंट्रोल या कंट्रोलिंग। किसी भी बिजनेस में जितना इम्पोर्टेंस प्लानिंग का होता है, उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिस्टम नहीं बनाते हैं तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्लानिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट होता है और ये फिफ्थ एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग लास्ट, कहीं ना कहीं इन दोनों का बहुत अच्छा कमिटमेंट और कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। अगर प्लानिंग है लेकिन उस प्लानिंग पे कंट्रोलिंग नहीं है तो भी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर कंट्रोलिंग तो है लेकिन किस बात की कंट्रोलिंग अगर प्लानिंग ही नहीं हुई तो, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के लिए ब्रिज का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग नहीं हो सकता है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं कंट्रोलिंग में आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर वन चैप्टर एट, कंट्रोल किसे कहते हैं, व्हाट इज कंट्रोलिंग या कंट्रोल का डिफिनेशन क्या होता है। इट इज ए बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। इट इज ए बेसिक मैनेजरियल फंक्शन या मैनेजर का एक बेसिक फंक्शन है, विच इंप्लाइज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। इंप्लाइज इसमें क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। जो भी वर्क है, जो भी परफॉर्मेंस है हमारे वर्कर्स का, जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका स्टैंडर्ड, उसको मेजरमेंट करना एंड करेक्शन। और अगर मेजरमेंट में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको क्या करना, उसमें करेक्शन करना। ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर एकम्प्लिश्ड। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स तैयार किया था, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, जो हमने एक गोल सेट किया था कि इस स्टैंडर्ड का हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, इस क्वालिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका मेजरमेंट करना, उसका ये स्टैंडर्ड डिसाइड करना, और जो स्टैंडर्ड हमने बना रखा है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्टिविटी है या नहीं है। और अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात को लेकर के हम यहां क्या करते हैं, अपनी कमियों को करेक्शन करने का काम करते हैं। और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको हम उसके लिए अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से हम उनको इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें। तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ कंट्रोल। इट इज ए बेसिक मैनेजरियल फंक्शन विच इंप्लाइज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। करेक्शन ऑफ किसका करेक्शन, करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर एकम्प्लिश्ड। इसके फीचर्स क्या हैं, कंट्रोलिंग के क्या क्या फीचर होते हैं, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम काम कर रहा है। मैं तो यहाँ एक चीज़ बताऊँगा कि घोड़े की घुड़सवारी तो हर आदमी करना चाहता है,
लेकिन जब घोड़ा अपने वेग से भागने लगेगा और मेरे पास उसको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, तो उस घोड़े पर जिस घोड़े की घुड़सवारी पसंद आती थी वो घुड़सवारी हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाएगा। यानी अगर हम बिना कंट्रोलिंग के कोई प्लानिंग करते हैं, यानी बिना लगाम के घोड़े पर हम बैठ जाते हैं, तो वह बेलगाम घोड़ा हमको कहीं भी पहुंचा सकता है, पता नहीं कहां कहां पहुंचा देगा। इसलिए जिस घोड़े पर हम बैठते हैं उस घोड़े का लगाम भी हमारे हाथ में होना चाहिए, उस घोड़े को कंट्रोल करने का सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए। अगर वो घोड़ा हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे हिसाब से नहीं चल पा रहा है तो उसको कंट्रोल करने का लगाम होना जरूरी है। वही चीज़ यहाँ है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं या जो भी मैनेजरियल सिस्टम है, उसमें कंट्रोलिंग का कैसे हम फीचर जानेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कंट्रोलिंग हो रहा है या कंट्रोलिंग के काम हो रहा है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? दैट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप ये नहीं कर सकते हो कि मतलब आज हमने ये डायरेक्शन दे दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को और उसी हिसाब से काम होता रहेगा। आपने जो आज डायरेक्शन दिया है उसको आपको देखना पड़ेगा, कल फिर देखना पड़ेगा, परसों फिर देखना होगा, रोज रोज आपको उस चीज़ों पर मॉनिटरिंग करते ही रहना पड़ेगा जब तक आप के प्रोडक्टिविटी होगी, जब तक आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते रहोगे, तब तक आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजरमेंट करते रहोगे। मेजरमेंट करने के साथ साथ आप जो है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो वेरिएशन आता है, जो डेविएशन आता है, उनको चेक करते हुए आप कंटिन्यू इस कंट्रोलिंग के काम को करते रहोगे। दूसरा इसमें फीचर दिख रहा है लुकिंग बैक, बैक में देखना। कंट्रोलिंग का काम ये भी होता है कि क्या हुआ पीछे, हमने क्या प्लानिंग किया था, किस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने क्या ऑब्जेक्ट तैयार किया था, क्या हम उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही काम आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने अपने पिछले अनुभवों से भी सीखना होता है, हमने पिछले डिसीजन से भी सीखना होता है, और उसके हिसाब से यहाँ कहा जा सकता है कि लुकिंग बैक। जब तक हम अपने बैक को नहीं देखेंगे, अपने बैक का मतलब है जो हमने पहले, इसके पहले जो अनुभव हमने लिया है, उस अनुभव का पूरा एडवांटेज यहाँ लेना पड़ेगा। पीछे जा करके उन परिस्थितियों को देखना होगा कि किन परिस्थितियों का हमारे जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल फिगर आया, उन दोनों के बीच में क्या रीजन रहा, किस कारण से वो मैच नहीं कर पाया। तो बैक के बारे में भी सोचना पड़ता है और उसी बैक के हिसाब से ही फीचर में नेक्स्ट फीचर कह रहा है फॉरवर्ड लुकिंग। यानी बैक भी देखना है, फ्रंट पे भी देखना है, समझ लेना, दोनों तरफ आंख होना चाहिए मैनेजरियल, ये बेसिक फंक्शन में कंट्रोलिंग का आंख दोनों तरफ होगा। वो बैक में के सिचुएशन को भी देखेगा कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले कैसे काम कर रहे थे, पहले जो हमने काम किया उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका आउटपुट क्या रहा, और अब हम उसमें क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या वो चेंज करेंगे, किस प्रकार से अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि हमारा फ्यूचर, आने वाला कल में हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे सेट किए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट हो जाए, सही हो जाए। एक्शन ओरिएंटेड, यानी इसमें हमेशा कोई ना कोई नया एक्शंस लेना ही पड़ता है। आप एक बार में कोई प्लान करके, एक डायरेक्शन दे करके और चुप बैठ जाए अपने ऑफिस में, अब तो सब कुछ हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोलिंग में आपको ईच एंड एवरी टाइम आपको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ एक्शंस लेने होते हैं अपने डिसीजंस के अंक के हिसाब से, जो मार्केट में प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से, जो डिमांड है उसके हिसाब से, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या कितना सप्लाई होना चाहिए, कितना प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, क्या हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमेशा आपको एक्शन ओरिएंटेड, यानी कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, लेते रहते हैं, कोई ना कोई नए नए पॉलिसीज आप लाते रहते हैं। परवेसिव फंक्शन, मैंने कहा, पहले ही कहा कि परवेसिव का सेंस ये हो गया कि ईच एंड एवरी वेयर, ईच एंड एवरी टाइम, एवरी वेयर कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन है, लगातार होगा, कहीं पे भी होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, इवन किसी हाउस होल्ड में होना है,
हाउसहोल्ड में होगा, किसी देश की व्यवस्था चलाना है उसमें कंट्रोलिंग का होना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जरूरी है, यानी दैट इज ए परवेसिव फंक्शन, लगातार चलेगा, हर जगह चलता है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब बात करें कंट्रोलिंग के एडवांटेज क्या हैं, क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं। अगर हम अपने सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनको ऊपर जो कंट्रोलिंग बनाना होता है, वो कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया है कि हमको इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको कंट्रोलिंग का प्लान करना पड़ता है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो कौन से कंट्रोलिंग सिस्टम बनाए, अपने इम्प्लाइज के लिए वो कौन से एक डायग्राम बनाए, एक आउटलाइन बनाए, जिस आउटलाइन के अंदर रह करके, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे वो इम्प्लाइज बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। यानी गोल ओरिएंटेड कंट्रोल होना होता है या होना चाहिए। मोटिवेशन ऑफ इम्प्लाइज, हमारे जो इम्प्लाइज होते हैं, अगर हमने उनके लिए जो इम्प्लाई जिस काम के लिए बेहतर है, यानी राइट पर्सन को राइट जॉब देना, जिस व्यक्ति के पास जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के हिसाब से उसको काम देना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसको परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना, और जब वो उस प्रकार से काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको भी ये महसूस होता है कि हमारा बॉस या हमारा सीनियर जो है उसने ये तय कर रखा है, जो ये सिस्टम बनाया, जैसे सपोज दैट कि ये कहा गया कि हर इम्प्लाई को 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, हर इंडिविजुअल इम्प्लाई को 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो एक इम्प्लाई 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है, दूसरा इम्प्लाई 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि कौन इम्प्लाई काम कर पा रहा है, कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। और इससे जैसे ही हम जिसने 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, डेफिनेटली मैनेजमेंट उसको अप्रिसिएट करता है, और इससे जो दूसरा जिसने कम प्रोडक्शन किया उसके अंदर भी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है कि भाई अगर वो कर सकता था तो मैनेजमेंट मुझसे भी तो पूछेगा आप क्यों नहीं कर सकते हो, आपने क्यों नहीं किया, आप भी उसी काम के लिए लगाए गए थे, उतना ही टाइम दिया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन इम्प्लाइयों का इससे मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का जो ये सिस्टम होता है, जब मैनेजमेंट यह सिस्टम अडॉप्ट करता है, प्लान करता है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये होता है कि कंट्रोलिंग एक जो बैरियर्स बनाए जाते हैं, एक सिस्टम बनाया जाता है, एक जो आउटलाइन बनाया जाता है, उससे हमारे इम्प्लाइज हमारे सबॉर्डिनेट्स जो है गलतियां करने के चांसेस इनके कम हो जाते हैं। हर एक इम्प्लाई के लिए जब एक सिस्टम बन जाएगा कि आपको ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतनी प्रोडक्टिविटी करनी है, इतना स्टैंडर्ड इसका मिनिमम होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ बना दी जाती है सिस्टम, तो इम्प्लाइज को गलतियां करने के चांसेस कम रह जाते हैं, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, उसका स्टैंडर्ड, उसका आउटपुट का रिजल्ट भी बेहतर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। जब एरर्स हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हमारा मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट एडवांटेज है बेटर रिजल्ट। जब हम सही तरीके से कंट्रोलिंग का आउटलाइन तैयार करते हैं, डायग्राम तैयार करते हैं, उस कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग हम अपने सबॉर्डिनेट्स और इम्प्लाइज से काम लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे यह है कि हर एम्प्लॉय को उस राइट पर्सन राइट जॉब अगर हम देते हैं, और सभी को उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से, उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उनको काम हम डिप्यूट करते हैं, तो बिना किसी के एक दूसरे के काम में इंटरफेयर किए हुए सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, और हर लोग अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से सही तरीके से काम करते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए भी इंस्पायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेज। अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेज, एनवायरमेंटल चेंज के साथ साथ कंट्रोलिंग को भी एक एडवांटेज कंट्रोलिंग का ये भी है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज होता है मार्केट में,
गुड्स की डिमांड सप्लाई में चेंजेज होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो एक्सटर्नल इफेक्ट करने वाले आइटम्स होते हैं एक्सटर्नल, उनके कारण से भी जो इफेक्ट आता है हमारे परफॉर्मेंस में, उसको भी दूर करने में यह कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, दैट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। जब हम एक कंट्रोलिंग का दायरा बना के चलते हैं, एक सिस्टम बना के चलते हैं कि हमारे इम्प्लाइज को ये काम इतने टाइम में इतने समय में इस प्रकार से करना है, तो इससे कहीं ना कहीं उनके बीच में एक डिसिप्लिन और एक प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से वो काम करते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन बना होता है। उन्हें पता होता है कि हमें इस बैरियर के अंदर ही काम करना है, इस लिमिटेशन के अंदर ही काम करना है, इतने ही इंस्ट्रक्शन के बीच हमको काम करना है। इससे ऑटोमेटिकली उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एम्प्लॉइज मोरल। कहीं ये भी है कि एम्प्लॉइज के जो मोरल हैं, उनके काम करने की क्षमता है, उनका आत्मविश्वास है, काम के प्रति जो उनका उत्साह है वो बेहतर होता है, उनके काम करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल हो इतना बेहतर होता है कि अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें एक सिस्टम एक्सप्लेन किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि आपको ये काम इस तरीके से इस समय में इतने टाइम में करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड पे आपको काम करना है। अगर ये सारी चीज़ें उनको हम पहले से वेल प्लान तरीके से बता चुके होते हैं, तो निश्चित रूप से उनका काम करने का मोरल बेहतर हो जाता है। इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता है कि आवर डिमांड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, तो हाउ टू अचीव आवर गोल्स, हाउ टू अचीव आवर गोल्स विथ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम किस प्रकार मैक्सिमम आउटपुट लें, इसके लिए निश्चित रूप से ये कह सकते हैं आप कि इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का सेंस ये हो गया कि हम अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूज कर पाते हैं, और इसमें कंट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा डिसीजन मेकिंग। समय आने पे हम समय समय पे अपने उन सारे प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंसेस को, अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करते रहते हैं, और जैसी ज़रूरत पड़ती है हम नए नए डिसीजंस लेने के लिए तैयार होते हैं, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी नए डिसीजंस लेने हो उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं इसी कंट्रोलिंग के रीजन से। नेक्स्ट कहा जाएगा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोलिंग का ही ये कारण होता है। डिसेंट्रलाइजेशन सही तरीके से कंट्रोलिंग हो सके, पूरी व्यवस्था को मैनेज किया जा सके, इसके लिए कोई एक पर्सन पूरी सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकता है, और इसीलिए यहाँ पे अपने जो सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं उनको भी, अपने पैरलर्स जो होते हैं उनके बीच में भी एक जो टॉप मैनेजमेंट होता है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, वो क्या करते हैं अपने राइट्स को, अपने ड्यूटीज को, इन सभी चीज़ों को वो डिसेंट्रलाइज करते हैं, अपने पावर्स को वो दूसरे लोगों को देते हैं, जिससे कि हर एक पर्सन अलग अलग टारगेट के हिसाब से अलग अलग काम पे कॉन्सेंट्रेट करके उस काम को कंप्लीट कराने की कैपेसिटी रखता है, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी पूरा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति पूरी चीज़ों को, प्रोडक्टिविटी भी देख ले, मार्केट भी देख ले, फाइनेंस भी देख ले, तो एक व्यक्ति से अकेला ये सारा कुछ बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे अगर बात करें तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे हम अपने अदर स्टाफ को भी क्या करते हैं, अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज करते हैं, जिससे कि बेहतर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और टारगेट ओरिएंटेड काम हो पाता है। तो ये सब हमारे एडवांटेजेस थे, लेकिन कई बार कंट्रोलिंग के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इन कंट्रोलिंग के कारण कुछ हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में प्रॉब्लम भी आती है।
वो कौन से लिमिटेशंस हैं जहां पे कंट्रोलिंग बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। फर्स्ट पॉइंट दिया है लिमिटेशन, डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होना भी पड़ता है। कई बार हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर हम उसको बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि अगर हम बहुत हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और शायद हम उतना प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बियर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए कॉस्ट का भी फैक्टर आता है और इसीलिए कई बार हम रियल स्टैंडर्ड जो सेट होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास फाइनेंस का कंट्रोल है, यानी फाइनेंस की लिमिटेशन है। हम अपने फाइनेंशियल लिमिटेशन के आधार पे ही क्या कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड सेट कर पाते हैं कि किस लेवल का किस प्रोडक्ट को हमको बनाना है। सेकेंड लिमिटेशन है लैक ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। लैक ऑफ कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ये क्या होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर? हमारे इम्प्लाइज सबॉर्डिनेट्स अच्छा काम कर रहा है, हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट अच्छा डिसीजन ले रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर पा रहे हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है। अचानक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज बदल गई, उनके फाइनेंशियल पॉलिसीज बदल गए, उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पॉलिसीज बदल गए, तो ऐसे में सपोज करो कोई ऐसा पैंडेमिक आ गया कोविड के तरह से, डिमांड अचानक कम हो जाएगी, तो फिर हमारी ऐसा नहीं कि हमारी प्रोडक्टिविटी की डिमांड कम हो गई, बल्कि इस पैंडेमिक के कारण जो है लोगों ने डिमांड को कम कर दिया और इसलिए हमको सप्लाई कम करनी पड़ेगी, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। तो कुछ ऐसे भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के आगे हमारा कंट्रोलिंग का कोई काम नहीं रह जाता है, मतलब कंट्रोलिंग काम ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि लिमिटेशंस कारण हम करेक्ट एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। करेक्टिव एक्शंस का सेंस यहाँ हो गया कि हमें पता है कि ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, हमें पता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, हमें पता है कि हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके पीछे ये रीज़न हो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉब्लम है, वो सारे रीजन्स ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण से हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरा इसका प्रॉब्लम है कॉस्टली प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक्चुअल में बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है खुद में, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए हमको कुछ अलग से स्टाफ इम्प्लाइज को सिलेक्ट करना होता है, रखना होता है, और अगर हम बेहतर तरीके से कंट्रोलिंग के लिए टेक्निकली बहुत ही एडवांस एक टीम या इम्प्लाइज का सिलेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोलिंग के पीछे हमारा कॉस्ट का एक बहुत बड़ा मैटर आता है कि हम जब इतना पैसा और कॉस्ट पे करेंगे तब जा करके कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो पाती है, तो थोड़ा सा कॉस्ट को लेकर के यहाँ पे कंट्रोलिंग का लिमिटेशन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है यहाँ पे डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोलिंग के कारण कई बार होता है कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम फिक्स नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पर्सन कौन से काम को कैसे कब करेगा, हम कई बार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फिक्स नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये आज हमारा इस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग जानने की कोशिश की, हमने कंट्रोलिंग का एडवांटेज जाना कि इसके फायदे क्या हैं और लिमिटेशंस क्या होते हैं, इनको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।